थोड़े से फासले में प्लीज। आज शहबाज साहब की पेशी है, आपको सबको मालूम है, और आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर दोबारा इंशाल्लाह पेश होंगे। देखना यह है कि जब रेफरेंस दायर हो गया है, जब किसी भी किस्म की और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, उस वक्त शहबाज साहब को गिरफ्तार करने की जरूरत क्या है। और यही एक कानूनी पहलू है, मैं समझती हूँ कि जिसके ऊपर कोर्ट जो है वो आज या जब भी वो मुनासिब समझे वो इसके ऊपर अपना फैसला देगी। लेकिन ये बात तय है कि इमरान खान साहब की हत्तुल इम्कान कोशिश है कि शहबाज शरीफ साहब को किसी भी तरह जो है वो नैब की जेल में जो है वो डाल दिया जाए और नैब के हवाले कर दिया जाए। नैब ने ढूंढा क्या है आज तक, मेरा सवाल यह है कि नैब ने आज तक किया क्या है, हमें छोड़े के हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट देखें क्या कहती है, सिंध हाई कोर्ट ने क्या कहा जो है शाहिद खकान अब्बासी के केस के अंदर, साद रफीक साहब के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स कह रही हैं कि नैब को सियासी मुखालफीन की जबान जो है रोकने के लिए पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये लफ्ज कोर्ट्स की तरफ से इस्तेमाल हुआ है कि उसके लिए जो है ये नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर एक लंबी लाइन है। लेकिन मेरा आज एक सवाल है चेयरमैन नैब से, सर वो शराब लाइसेंस केस में बुज़ार साहब का क्या हुआ, आपने उनको एक दफा बुलाने के बाद, अब ग्रोस लॉ की पॉलिसी है और आपको इमरान खान का मैसेज आ गया है कि उसको नहीं बुलाना, शराब केस में बताया, अभी तो आटा चीनी में बुज़ार साहब को बुलाना है आपने।